मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया, मेरे बाबू ने पॉटी करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अमित सागर ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैंने मुन्नू के लिए एक नया गिफ्ट दिया है, वो है एक कार। तो मुन्नू को भी मैंने वो कार दी नहीं है। मुन्नू को एक कार चाहिए थी, उसने मेरे से बोला था कि उसको एक कार चाहिए है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसको एक नई कार खरीद के दूंगा। तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसका क्या रिएक्शन होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी बजे हैं सुबह के 8। परी हमेशा की तरह अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही है और मुन्नू हमेशा की तरह अपने मस्ती मजाक में लगा हुआ है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मुन्नू क्या कर रहा है? ये क्या है? ये बरात है खुजली करने का। इसे खुजली हो जाती है? हाँ, खुजली हो जाती है। खुजली हो जाती है? नहीं, खुजली ठीक हो जाती है। ऐसे खो जाते हैं ना, ऐसे गिट में डाले। अच्छा लग रहा है। तो गाइस, मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ ना धूप ही धूप आ गई है। देखो कितनी शानदार मौसम है। देखो परी, हाय, टोनी के साथ खेल रही हूँ मैं। टोनी के साथ खेल रही है परी, है ना। अभी थोड़ी देर में मुन्नू भी छत पे आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आ गई यार, है ना। और ठंड के मौसम में यार धूप आ जाना तो मज़ा आ जाता है ना। तो वही है, अभी सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खेलेंगे। मुन्नू आएगा जिम्मी को लेके, टोनी और परी छत पे हैं, उसके बाद ये लोग अपना खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मनु जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहा मनु? इसको बैठा दिया। टोनी ये देखो, दबोचिया। टोनी क्या कर रहा है? अभी कपड़े खा रहा था। हम कपड़े खाएंगे, हम दाल चावल रोटी नहीं खाते, हम तो कपड़े खा रहे हैं। देखो इतना खाना देते हैं खाने के लिए, लेकिन ये कपड़े खाता है। देख देख कैसे कपड़े खा रहा है, देख देख देख। टोनी नहीं देख, कल से इसका खाना बंद, कपड़े शुरू। दांत निकल आया ना, दांत की निकलने की क्रेविंग। हाँ, वो दांत निकल आया तो उसको मन होता है कुछ ना कुछ काटने का, है ना। वही कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा है। मुन्नू ने एक कार मांगी थी कि उसको एक कार चाहिए खिलौने के रूप में ना, तो मैंने एक कार खरीद के मुन्नू को दी है। अभी हम मुन्नू से बात करेंगे, पूछेंगे उसको कार कैसे लगी है, उसके बाद मुन्नू उसको चला के भी बताएगा। मैं ये सब चीज़ इसलिए बताता रहता हूँ यार अपने ब्लॉग में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे खिलौने ही लाएँ, है ना। बच्चों को आप सस्ते खिलौने भी दे के ना उनको खुश कर सकते हो ना। तो मैं अपने ब्लॉग में ऐसे ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ कि मैं ज़्यादा महंगे खिलौने नहीं लाता हूँ, बहुत सस्ते खिलौने लाता हूँ, लेकिन बच्चे उसमें भी खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5,000 या 10,000 वाले टॉय या खिलौने ही उनको दो, है ना। तो मैं इसलिए सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ यार कि बच्चे अगर कुछ मांगते हैं ना तो उनको दे देना चाहिए। वो आपसे कभी ये नहीं कहते कि यार ज़्यादा पैसे के होने चाहिए कोई भी चीज़ या ज़्यादा महंगी होने चाहिए ना। आप उनको कोई भी चीज़ दे दोगे ना तो वो खुश हो जाते हैं ना। तो अभी मैं मुन्नू को ना एक कार लेके आया था, वही मैं मुन्नू को वो कार दूंगा, उसके बाद आप देखना कि मुन्नू क्या क्या चीज़ें करता है। बने रहिए ब्लॉग में, देखिए ब्लॉग को पूरा। मुन्नू जी, कार हम तुम्हें लाए, कैसी लगी तुम्हें कार? बहुत अच्छी लगी। चला के बता बेटा इसको।
जिम्मी कहाँ जा रही है? जिम्मी दिल्ली जा रही है। दिल्ली गाड़ी से दिल्ली जा रही है क्या? दिल्ली जा रही है जी। आगे मैं टोनी को भी घूमना है, मैं टोनी को भी घुमा, राइड कर लो टोनी। ऐसे बैठो, तुम उल्टे बैठो टोनी, जिसमें तो पकड़ पाओ, ठीक है? 1 2 कल तो यार बैंड बज गई थी वही पढ़ पढ़ के। क्यों, क्या हो गया था? अरे यार मैथ्स का पेपर था। मैथ्स का पेपर था? कब था? आज। मैथ्स का पेपर था, हो गया? पूरा दिन भर पढ़ते ही रहे, फोन से प्रैक्टिस की। और पता है ना कितने वो होते हैं सम्स, हम के बिना और कॉपी पेन के मैथ्स नहीं होती सॉल्व। हाँ तो मैथ्स थोड़ी ना याद की जाती है, उसको तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कॉपी पेन से ही। हाँ मैथ्स में रटने का काम नहीं होता, नहीं मार सकते ना मैथ्स में, उसको समझना पड़ता है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत इजी, और जिसको नहीं आई उसके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट दुनिया का मैथ्स। के लिए समझना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है कॉपी पेन से, है ना? हमने तो समझ लिया था कल, तो हमें तो अच्छे नंबर मिल गए आज के पेपर में। आज हो गया पेपर? हाँ हो गया। कैसा गया? लास्ट था आज, अच्छा गया। कितने नंबर मिले? 20 में से 19 एक गलत हो गया। हे भगवान, रे गलत कर दिया। तो 19 तो लाया यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा स्कोर है ना तुम्हारा। हाँ। है ना, लगभग 98-97% हो गया ना ये, है ना? तो बहुत बढ़िया होगा ये तो। एक ही सब्जेक्ट में बस 19 आया मैथ्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट में 20 आए थे। मैथ्स में एक नंबर का था ना? मैथ्स में और एक इंग्लिश में। कोई बात नहीं, ये थोड़ी टफ भी पड़ जाते हैं ना, अभी अभी जो तुम जो छोटी हो ना, तभी तुम्हें इंग्लिश भी बहुत टफ लगती होगी। और सबसे मैथ्स के बाद सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट साइंस, उसमें भी 20 आया मैं। साइंस में 20 सब्जेक्ट, ये तो बहुत बढ़िया बात है। साइंस में 20 है मतलब बहुत अच्छी बात है। 20 out of 20 बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है, मिठाई खिलाओ। अभी जा रहे हैं, फिर ले आ रहे हैं ना, ठीक है? तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाइक का बटन वो दबा दीजिए और बेल बटन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो करी सबसे पहले। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमाल कमाल यही होता है।